जो करे पैनी शेर से प्यार, जी दोस्तों, जो करे पैनी शेर से प्यार, कभी कभी होगा तकरार। इसका माने समझिएगा दोस्तों, जो करे पैनी शेर से प्यार, कभी कभी होगा तकरार, लेकिन इंतजार करोगे तो हंड्रेड परसेंट होगा इकरार। और इसी टॉपिक पे आज हम बताते हैं आपको कि कौन सा पैनी स्टॉक है जिससे आप प्यार करते हैं। अगर जी दोस्तों, प्यार में, मोहब्बत में, लव में, इश्क में भी ऐसा ही है दोस्तों। जिससे जो प्यार करता है वो कभी भी इंतज़ार करता है, और कभी कभी तकरार भी होता है, लेकिन लास्ट में अगर इंतज़ार करेंगे तो 100% होगा इकरार। यस, और ये आज का टॉपिक, और ये आपको मैं चलिए बता दूँ कौन सा पैनी स्टॉक है जो आप अगर प्यार करते हैं तो इंतज़ार ज़रूर कीजिए, भागिए नहीं, लगे रहिए। और जो लगे रहता है, कहावत है कि एक बिहार में माझी, दशरथ माझी एक शख्स था, दशरथ माझी, वो प्यार किया था अपनी पत्नी से, मर गई। किस लिए मरी वो? तो उसका जो गांव था वो बहुत दूर था, बहुत दूर था गांव से हॉस्पिटल, अस्पताल, और इसलिए मर गई कि जाते जाते अस्पताल नहीं पहुंच पाई। उस रास्ते में एक पहाड़, माउंटेन पड़ता था दोस्तों, सॉरी सॉरी, गांव यहाँ पे था उसका, लेकिन उसको जाने के लिए ऐसे घूम के यहाँ अस्पताल जो था जाना पड़ता था। तो ये पहाड़ के बीच की जो दूरी थी वो, अगर अगर ये पहाड़ नहीं रहता, रास्ता यहाँ पे रहता, रोड सड़कें रहती अगर जाने के लिए, तो उसकी पत्नी बन सकती थी। तो उस प्यार की पत्नी की प्यार में वो दशरथ माझी पत्थरों को काट काट कर 14 साल में बिना परवाह किए, लोग उसको पागल कहते थे दोस्तों, उसको पागल कहते थे, दशरथ माझी को पागल कहते थे लोग। और पागल की परिभाषा मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, पागल व पागल ही दुनिया में इतिहास रचते हैं, और वही नाम करते हैं, और लोग उन्हीं को याद करते हैं। तो हमारे देश में भी एक पागल प्रधानमंत्री आया है जो बहुत ही भारत के लोगों के लिए सपने लेकर आया है, उनको लोग पागल कहते हैं। तो चलिए, आप समझ गए कि हम किसको बोल रहे हैं। तो आप आइए आज की पैनी शेयर से कर लीजिए प्यार हमेशा के लिए। वो है पराग मिल्क, पराग मिल्क, उमंग डायरी, और आपको मैं बता दूं कि अमूल भी बहुत जल्द लिस्टिंग होने वाली है, और ये लिस्टिंग होने के बाद ये सभी के सभी स्टॉक, तो डेयरी से संबंधित, डेयरी सेक्टर
डेयरी सेक्टर के स्टॉक को रख लीजिए रडार पर। और आइए आज की कमाई करने वाले स्टॉक दूसरा टॉपिक दोस्तों, आज की कमाई करने वाले जबरदस्त स्टॉक जो आपको 2% से 4% तक की कमाई कराई। जी हाँ, तो चलिए पहला नंबर लिख लीजिए जो हमने आपको लगातार बताते रहते हैं, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर एंड केमिकल GNFC। जी दोस्तों, और दीपक नाइट्रेट जो 2 साल में लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिया कि पर पूछिए नहीं, और Nifty 50 का ये स्टॉक टाटा केमिकल्स। तो किसानों का आज सेक्टर हमारा फील्ड एंड फार्मर सेक्टर के स्टॉक आपको आज जबरदस्त कमाई करके दे रहे हैं दोस्तों। डेयरी और केमिकल्स, फर्टिलाइजर और केमिकल्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, लिक्विड फर्टिलाइजर्स, और इसके साथ ही साथ फार्मर फील्ड एंड फार्मर्स मतलब खेत और किसान से संबंधित सभी शेयर लाइफ टाइम तक रखे रहिए, लाइफ टाइम तक। और एक और स्टॉक जो किसानों के खेत में अब ड्रोन से फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर की छिड़काव और खेतों में बुआई के करने के लिए ड्रोन तैयार है दोस्तों। ड्रोन सेक्टर का स्टॉक DCM श्रीराम, DCM श्रीराम और पारस डिफेंस, जैन टेक्नोलॉजी अपने रडार पे रख लीजिए। और आइए कल के लिए आपको बता दें, इसी वीडियो में कल कमाई करने वाले बिग ब्लास्टर स्टॉक, कल कमाई कराने वाले बिग ब्लास्टर स्टॉक आपको मैं बता दूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प, सीमेंस, मदरसन सुमी, और एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा बैटरी एक बार देख लीजिए, नहीं तो आपको कल के लिए कमाई कराने वाले ये सभी स्टॉक है। अमर राजा बैटरी, और इसी के साथ आज जो अभी भी कमाई करा रहा है उसको भी आप नोट कर लीजिए, अभी तो 2 बजे के बाद रैली बाकी है दोस्तों। जी हाँ, और कल आज हो जाए तो ठीक, नहीं तो कल पक्का है Nifty 50
18,100 और निफ्टी बैंक 41,100 ये है कल के लिए टारगेट। अभी तो बाकी है, आज भी हो सकता है। तो चलिए क्यों होगा, और ये सभी स्टॉक मिलके निफ्टी 50 को 18,100 और निफ्टी बैंक को 41,100 करने वाले दोस्तों। तो इसी की पूरा लिस्ट तैयार है, आप लिख लीजिए, जिसमें अडानी पोर्ट, ये तो जितना आप लेना चाहें लेकर रख लीजिए आपकी कैपेसिटी के अनुसार। ओबेरॉय रियलिटी, ओबेरॉय रियलिटी, टेक महिंद्रा, टाइटन, टाटा मोटर, टाटा एलेक्सी, एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक, और यूपीएल। यूपीएल के बाद बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अगर पहली बार आए हैं दोस्तों इंट्राडेटेक मुंबई में बीएबीकेस के चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और एक और स्टॉक जो हम आपको हमेशा बोलते थे, एक महीना पहले बोले थे, और ये डबल होने जा रहा है दोस्तों, एडेलविस फाइनेंशियल सर्विसेज, जी। और आ जाइए, और आ जाइए जो इंफोसिस, इंफोसिस के बाद आपको कल देखना है आईटीसी, अडानी विलमार, और अडानी पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ। ये तो अंत भला तो सब भला, टाटा पावर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।